बीसीए के बाद कैरियर बर्बाद, बीसीए के बाद कोई जॉब नहीं मिलेगी, बीसीए के बाद कोई फ्यूचर नहीं है। जी हां साथियों, आज हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ बीसीए। क्या बीसीए करने के बाद में हमें जॉब मिलेगी, क्या हमें बीसीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर बीसीए के बाद जॉब मिलेगी तो हमारा क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, यदि करना चाहिए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बीसीए कैसा कोर्स है, बीसीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। साथियों बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका 3 साल का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है जिसको सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। इसमें आपके 6 सेमेस्टर होते हैं जिसको किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, फिर चाहे आपके पास आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, कोई भी स्ट्रीम आपके पास रही है तो आप अपना बीसीए कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होती है आपके पास में 10th में मैथ होना अनिवार्य है। अब बात ये आती है कि हमें बीसीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बीसीए के बाद जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथी ये जो कंडीशन है ये सभी कोर्सेज के साथ में है। अब आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। आज की डेट में एक एक कॉलेज से लगभग 300-400 बच्चे, जो बड़े कॉलेजेस हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वहां से 300-400 बच्चे एक एक साल में निकल रहे हैं बीसीए करके या बीबीए करके, जो बाकी सभी कोर्सेज हैं। तो अब ऐसे में जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो साथियों बीसीए जो आपका डिग्री है वो सिर्फ आपको एंट्री कराने के लिए है, यानी कि आपका एक सर्टिफिकेशन, आपका डिग्री कोर्स है, आपको इंटरव्यू में बिठाने के लिए है। अब आपको जॉब मिलना या नहीं मिलना वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज के ऊपर। आपने बीसीए में कितना पढ़ा है, कितना आपने सीखा है, कितने आपने सर्टिफिकेशन कोर्स करे हैं, एआई में कितनी नॉलेज है आपको, डेटा साइंस में कितनी नॉलेज है, कितनी आपने नॉलेज गेन की है, तो ये डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि बीसीए आपने कर लिया, किसी भी कॉलेज से कर लिया, किसी भी थर्ड क्लास कॉलेज से कर लिया, आपको डिग्री मिल गई और डिग्री मिलने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलने वाली है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जॉब किसको मिलेगी, जिसको नॉलेज है, नॉलेज है तो जॉब है, ध्यान रखिएगा। तो एडमिशन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहला जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप करें उस कॉलेज का अकेडमिक सही होना बहुत जरूरी है, यानी कि वहां पर पढ़ाई कैसी है, वहां पर जो फैकल्टी है वो कैसे है, वहां पर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जा रहे हैं या फिर नहीं कराए जा रहे हैं, तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरा है साथियों प्लेसमेंट सही होना, वो भी बहुत जरूरी है। आप प्लेसमेंट में ये ना देखें कि हाईएस्ट पैकेज क्या रहा है, प्लेसमेंट में आपको ये भी देखना है कि वहां का एवरेज सैलरी पैकेज क्या रहा है, जो आपकी लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रही है। और सिर्फ लास्ट ईयर की प्लेसमेंट नहीं देखनी है, आपको लास्ट 3 ईयर की प्लेसमेंट देखनी है। तो वहां से आप चेक करिएगा वो कॉलेज यूनिवर्सिटी सही है या फिर नहीं है। साथियों एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो साथियों आई थिंक आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे कि आपको बीसीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों कि बीसीए करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर, कि वो आपका जो कॉलेज है किस कंपनी में बिठा रहा है, किस कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो रही है। तो साथियों अगर मिनिमम सैलरी पैकेज की हम बात करें तो आपका 3 लाख से लेकर के आपका 10 लाख तक का आपका पैकेज हो सकता है स्टार्टिंग पैकेज। तो ये आपका स्टार्टिंग पैकेज है यदि आप किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपना बीसीए कर लेते हैं। तो बीसीए के बाद में जॉब काफी है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, लेकिन जॉब उन्हीं को है जिन्होंने अपना नॉलेज गेन किया है, अच्छा खासा उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, जिनको बीसीए के बारे में जितना भी उनको कोर्स कंटेंट पढ़ाया गया है वो उनको आता है। तो साथियों आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।